यही वो असली स्थान है जहां से महाराज गोगा जाहर पीर जी का इतिहास शुरू होता है। इस स्थान पर जो धूणा लगा हुआ है वही असली स्थान है जहां बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष तपस्या की थी। यहीं बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को पुत्र का वरदान देकर गुग्गल दी थी। उसी गुग्गल से गोगा जी पैदा हुए थे। धूणे के सामने जो मंदिर है वहां पर बैठकर गोरखनाथ जी ने काछल को 2 फल दिए थे, जिसके बाद काछल रानी के 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था उर्जन और सुरजन। ये गोगा जी की मौसी के बेटे थे। इस मंदिर के एक तरफ उन सभी महात्माओं व साधुओं की समाधियां हैं जिन्होंने इस डेरे की सेवा की। मंदिर की दाहिनी तरफ माता काली, बाबा भैरों और मच्छंदरनाथ जी का मंदिर है। मंदिर के पीछे की धरती आज भी सफेद पड़ी है जहां माता बाछल से दूध गिरा था। आज भी यात्री उस मिट्टी को पानी में भिगोकर उस पानी से खीर बनाते हैं। गुरु गोरख में दान लगा ले, मन चाया पड़ तू पाला ले। गुरु गोरख में
करी गोरख हवाले, मन चाया पड़ तू पाले। सब करी गोरख हवाले, मन चाया पड़ तू पाले। गुरु गोरख में जान लगा ले, मन चाया पड़ तू पाले। गुरु गोरख में जान लगा ले, मन मन चाहे।